हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 9 का संस्कृत का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर देखेंगे। इसमें जो पहला प्रश्न है, उचित विकल्पम चित्वा लिखा था, यहाँ हमें सभी क्वेश्चन देख लेना है, जिसके आंसर आपको टेलीग्राम में मिल जाएंगे। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ पर जाके हमें टेलीग्राम से जुड़ जाना है ताकि हमें पूरी आंसर मिल जाए। पहला प्रश्न है, रामायी इतस्मिन शब्दे वचनम, वचन कौन सा है? अधोलिखित पदेशु तृतीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति तस्य हो जाएगा। इतस्मिन शब्द है अस्ति, शब्द कौन सा है? इकारांत है, नकारांत, सकारांत, तकारांत बताना है। जनकेशु इतस्मिन शब्द विभक्ति, जो भी विभक्ति हो। अधो लिखतेषु अभ्यम अस्ति, अभ्य जो भी हो। ये हमारा लास्ट देख लेंगे। उचित विकल्पम चित्वा लिखत, तो ये दोनों हम यहाँ पे देख लेंगे। ग नंबर घा इंगा और चा, ये हमें क्रम चारों को देख लेना। दूसरे वाले में भी वही है, तो का खा गा देख लेंगे, घा इंगा और ये चा। चौथे में एक पद में उत्तर बताना है, तो एक पद में जो भी उत्तर हो तो ये बता देंगे। पहला दूसरा ये है, और तीसरा चौथा पांचवा ये छठवा। यथा योग्यम योज्यत, क्या करना है इसमें? क्रम के अनुसार इनको जोड़ी लगाना है, तो देख लेंगे सभी के सभी। छठवें वाले में ये कितने, 3 × 2 = 6, 7 प्रश्न दिए गए। 7 में से कोई 5 हमें बताना है, जो भी हमसे आते हों तो इन्हें क्या कर देना है, हल कर देना है। 7वां, 8वां, 9वां, 10वां क्वेश्चन हम देख लेंगे। ये 11वां क्वेश्चन, 12वें में हमारे रिक्त स्थान दिए गए हैं। 13वें वाले में क्रम के अनुसार लिखना है, घटना जो क्रम है इनको क्रम से लिखना है, तो लिख देना है सभी को। 14वां ये हमारा दिया गया है, इसको पहले पढ़ना है, फिर नीचे प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर बताना है। इसी तरह 15वां में भी वही करना है, इसको पढ़ना है, फिर नीचे प्रश्न दिए गए उनके उत्तर बताना है। 16वां ये है, ये हमारा 17वां क्वेश्चन है, इसको पढ़ना है, ये प्रश्न दिए गए हैं इनके उत्तर बताना है। आइए 18वां, और ये लास्ट हमारा 19वां क्वेश्चन है, किसी एक विषय पे निबंध लिखना, विद्या पुस्तकम या उद्यानम, जो भी आता हो तो उस पर हम निबंध लिख देंगे।